गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में खरगोन जिले में फिल्म प्रदर्शनी और चित्र प्रदर्शनी रथों के माध्यम से निकाली जा रही है। वहीं इस यात्रा का स्वागत सोमवार को कसरावत में किया गया। इस यात्रा के माध्यम से जन जन तक गांधी जी के जीवन और विचारों को बताया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम के प्रभारी अनुज शुक्ला संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन की ओर से इस यात्रा के लिए काम कर रहे हैं। वहीं अनुज शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि इस यात्रा में शासन द्वारा 3 रथों को तैयार कर प्रदेश के विद्यालयों में पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कसरावत ब्लॉक को चुना गया है। हमारे देश की आजादी में महात्मा जी गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। देश की सांप्रदायिक सौहार्दों को बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार आदरणीय कमलनाथ जी ने गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये रथ यात्रा प्रारंभ की है, ताकि आज की युवा पीढ़ी की जान सके कि गांधी जी का जो है स्वतंत्रता के हमें आज़ादी दिलाने में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा। साथ ही हमारा देश विभिन्नता में एकता वाला देश रहा है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो है जातियाँ, धर्म और सभी प्रकार के जो है भाई बंधु यहाँ पर निवास करते हैं, उनमें आपस में एकता बनाए रखें, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार की इच्छा है कि सभी आपस में जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई बनकर रहे। आज गांधी जी के जीवन चरित्र पर गांधी रथ यात्रा 150 वर्षगांठ पर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रारंभ की गई है। निश्चित ही सरकार का बड़ा सराहनीय कदम है और देश में सत्य अहिंसा का पाठ सिर्फ गांधी जी के आदर्शों के द्वारा पढ़ाया जाएगा। निश्चित ही फिल्म प्रदर्शन और प्रदर्शनी के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इन बच्चों को शिक्षा दी जाएगी कि आगामी भविष्य में जीवन में सत्य और अहिंसा के ऊपर कैसे जीवन जिया जाए, ये बात उनके आदर्शों को बताया जाएगा। JSR टाइम्स के लिए खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट।